जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन के पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज और इलस्ट्रेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां हमने लास्ट वीडियो में 5 वाला कंप्लीट कर लिया था कि बेहतरीन क्वेश्चन है इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का, 6 इलस्ट्रेशन की आज हम बात कर रहे हैं दोस्त। राम एंड रहीम स्टार्ट बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड 30,000 ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 को शुरू किया राम और रहीम ने बिजनेस। बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जिससे हमारे हेल्प होगी, क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल दी है 50,000 और 30,000। रहीम को सैलरी दी गई है 400 रुपए पर मंथ की, यानी रहीम सैलरी 400 रुपए पर मंथ। आईओसी है 6% पर एनम। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। इसके अलावा राम ने विड्रॉ करें 8,000 और रहीम ने विड्रॉ करें 10,000, यानी राम्स ड्रॉइंग्स 8,000 एंड रहीम की ड्रॉइंग्स है 10,000। राम एंड रहीम 8,000 और 10,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट है क्वेश्चन में दोस्त 30,000 रुपए के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों ही हमारी 6% है, यानी आईओसी भी 6 है और आईओडी भी 6 है। अब ड्रॉइंग्स के लिए ये नहीं बता रहा बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, एंड ऑफ द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर है, कुछ नहीं मानेगा, तो हम इस पर 6 महीने की ब्याज लगाएंगे। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता नहीं है दोस्त, उसने 1 अप्रैल को पैसा निकाला है, 1 दिसंबर को निकाला है, 1 जनवरी को निकाला है, 1 अक्टूबर को निकाला है, इसलिए हम ऑन एन एवरेज मान लेते 6 महीने। पर कैपिटल पर तो ये बात तय है कि स्टार्ट हुआ होगा बिजनेस 1 जनवरी को, तो स्टार्टिंग में 1 जनवरी को ही उसने पैसा लगाया होगा। तो आपसे बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल और करंट अकाउंट बनाओ, ये सोचकर कि जो कैपिटल है वो फिक्स्ड नेचर की है। फिक्स्ड कैपिटल है मतलब जितना पैसा लगाया बाय बैलेंस बीडी उतना ही हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। प्रॉफिट है क्वेश्चन में 30,000 रुपए का, यानी एनपी है 30,000 रुपए का। अगर कोई चार जगह प्रॉफिट होता तो पहले उसे माइनस करते, देन हम बात करते। चलो प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे सबसे पहले। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट रखेंगे क्रेडिट में, सबसे पहले नेट प्रॉफिट रखेंगे क्रेडिट में जो कि है हमारा 30,000 रुपए का। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमें पता है इनकी कैपिटल में जाएगी, इस बार करंट में जाएगी। सर करंट अकाउंट में जाएगी, सर ऐसा क्यों? वैसे तो कैपिटल में जाती है, पर जब कैपिटल फिक्स्ड होती है या क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता है, इसका मतलब ये सारे छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में जाएंगे। 6% के हिसाब से 50,000 का 6% और 30,000 का 50,000 का 6% आएगा हमारा 3,000, 30,000 का 6% आएगा हमारा 1,800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से दोस्त अगेन 6% पर लगेगी, 8,000 पर और 10,000 पर पूरी लगेगी या 6 महीने की? पहली बात कर चुके हैं 6 महीने की, क्योंकि हमें पता नहीं होता है तो ड्राइंग्स कब हुई है। तो राम के करंट अकाउंट से और रहीम के करंट अकाउंट से 8,000 का 6%, 6 बाई 12
10,000 का 6%, 6 बाई 12, 240 रुपये ये और 300 रुपये ये। इधर की बात करूं तो सिर्फ रहीम को सैलरी दी है, रहीम को सैलरी मिलेगी, यानी कि रहीम्स करंट अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी, ताकि पता चले कौन सा अप्रोप्रिएशन है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में मैं आपको समझाया था, मैं कोई भी पैसा आपको दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ 500 रुपये ले जाओ दोस्तों के संग पार्टी करने के लिए, 300 रुपये किताबें ले आना, 200 रुपये ऑटो कन्वेंस के लिए, पर अल्टीमेटली मैं ही तो दे रहा हूँ आपको पैसा। तो अप्रोप्रिएशन किसी भी तरह हो, 400 × 12 ये हो जाएगी अगेन 4800। इसके बाद हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम के खाते में कितना जाएगा और रहीम के खाते में कितना जाएगा। 30,500, 30,540, 48, 48, 96, 30,540 -9,600, 40 आ गया, 900, 1,596, 9, 20950, 20,940, इसका डिवाइड देंगे 2 से, 10, 10470, 10470, 10470। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6, जिसमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बन गया है। अब हमें बनाना है इसका पार्टनर्स कैपिटल। बुक में सॉल्यूशन अगेन अलग अलग दिए हुए हैं, हम लोग एक सिंगल फॉर्मेट से बना सकते हैं, एग्जाम में नहीं कटेगा हमारा नंबर पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले देखो, बिजनेस स्टार्ट किया था इन्होंने, इसका मतलब ये बाई बैलेंस बी डी नहीं है, बाई कैश और बाई बैंक के नाम से आएगा, पर्टिकुलर राम रहीम, ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर राम और रहीम। चूंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो सभी चीजें करंट अकाउंट में गई हैं, यहां पर डेबिट हुई है वहां क्रेडिट होंगी, यहां पर क्रेडिट हुई है वहां डेबिट होगी, कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। सर इसका मतलब कैपिटल जो 50-30 है वो 50-30 ही रहेगी, बिल्कुल रहेगी। इस क्वेश्चन में कब आता पता है कैपिटल में, डेबिट क्रेडिट में, जब पिछला क्वेश्चन आपको इफेक्टिव कैपिटल वाला याद है, उस केस में आता, जो भी फर्दर कैपिटल एडिशनल लगा रहा था उसमें बाई कैश आता, और जो भी परमानेंट ड्राइंग्स कर रहा था, विड्रॉ कर रहा था कैपिटल में से, तो डेबिट साइड आता। मतलब इस वाले केस में सभी चीजें आपकी करंट अकाउंट में गई हैं। ओ फिर गलती कर रहा हूं मैं, बाई बैलेंस बीडी नहीं होता है, बिजनेस शुरू कर रहे हैं लोग, बाई बैंक या फिर कैश, एग्जाम 50,000 इसमें, 30,000 इसमें, सेम चीज यहां आ जाएगी, यहां बाई कैश या बाई बैंक और आता, टू बैंक या टू कैश और आता, कब, जब ये परमानेंट ड्राइंग्स कर लेगा दोस्त, या फिर कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तब ऐसा होता, अदरवाइज यहां पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल जब फिक्स्ड होती है तो पैसा हमने ऐसे ही रख रखा है, हम यूज कर रहे हैं करंट अकाउंट। चलो जी, अब सेम फॉर्मेट बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट का, पार्टनर्स करंट अकाउंट का, पर्टिकुलर्स राम रहीम, पर्टिकुलर्स राम रहीम। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी,
सर करंट अकाउंट का तो कोई बैलेंस भी है ही नहीं, करंट अकाउंट का बैलेंस ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, कैपिटल का था 50-30, करंट का बैलेंस नहीं है। तो दोस्त करंट अकाउंट में कुछ नहीं, सीधे यहाँ की डेबिट वाली चीज है उधर, इधर वाली इधर, यानी सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800, 3,000 रुपीज और 1,800। फिर आएगा आपका सैलरी, जो कि इसको नहीं मिली, इसको मिली है। फिर आएगा आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, तो ब्रैकेट में लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट 10470। तीन चीजें आएंगी सिंपल एकदम, जो भी अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड आएगा, इधर डेबिट होती है ना, यूं जाएगा क्रेडिट साइड, और जो क्रेडिट साइड है वो यूं आएगा डेबिट साइड, यानी खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है आपकी। पर ये बात मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताई थी कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट कर रहे हो तो मत भूलना कि क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी हुई होगी। तो नीचे लिख देंगे ड्राइंग्स, और अमाउंट कितना डालेंगे दोस्तों ड्राइंग्स में, ये 8,000 और 10,000, 8,000 और 10,000, 13,470 में से 8,240 गए। तू बैलेंस सीट, यहाँ पे कैलकुलेटर है, 13,470 आएगा इधर में से 8,240 गए, तो 230 तो पीछे आएगा, 5,230। देखें जरा आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा सही, 5,230। चलो एक का तो सही आ रहा है, दूसरे का चार एक पाँच 15, 16,600, 17,070, 17,017 में से 10,300 गए, 10,300 गए, 7,6,770, 17, हाँ 6,770, 5,230, 5,230, 6,770। एक बार चेक कर लेना दोस्त, टोटलिंग मिस्टेक हुई है, कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, जिसमें सिर्फ काम की बात थी, 6 महीने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगी, कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में जाएंगे सारे बैलेंस, करंट अकाउंट बनेगा तो कुछ इस तरह बनेगा, और कैपिटल अकाउंट सेम टू सेम बनेगा, यहाँ बाई कैश या टू बैंक या टू कैश तब आता जब यहाँ परमानेंट ड्राइंग्स या एडिशनल कैपिटल लाया होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर, अच्छा हमने 6 और 7 दो कर दिए दोस्त, हमने ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 था, ये इलस्ट्रेशन 7 कर दिया हमने, ठीक है। इसने बोला एक ही में, बोला विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन 6 लेट अस प्रिपेयर द कैपिटल एंड करंट अकाउंट, 6 और 7 एक संग कर लिया। 8 वाला क्वेश्चन गारंटी वाला है, इसके बाद 2, 8, 9 रह जाएंगे, देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर मूव करते हैं।